मेरे राम जी आ गए, समझ गए, मेरे राम जी आ गए। इसी राम जी के चक्कर में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे राम जी। हाँ, लाइट प्रॉपर आ गया। तो अभी रात को मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, आई नो कि नीचे दिख नहीं रहा है बिकॉज कि मैंने अपने फ़ोन में फ्लैशलाइट ऑन कर रखा है एंड मेरा DSLR सामने में है। तो सीधा चले जा रहा हूँ। आपको बैकग्राउंड का भी फील नहीं होता होगा कि लाइक बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, लाइक हाँ ये लाइट थोड़ा बहुत। तो चलो ये सब चीज़ छोड़ते हैं, पहले मैं थोड़ा सा एक पोजीशन ले लेता हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष और उल्लाह की बात है कि लाइक हमारे राम जी वापस आ गए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज कि इतने टाइम के बाद ये जो डिस्प्यूट हुआ था 15th सेंचुरी का जब मुगल शासक सब आए थे, सबके टाइम की बात है। 1850 में पहली बार इस बात को छेड़ा गया एंड तब से आज तक, कल तक कुछ भरोसा नहीं था, बट आज 5th of August 2020 को नींव रख दिया गया है। शाम के 5 बजे से स्टार्ट है एंड अभी का टाइम कितना हो रहा है, अभी 7:30 हो रहा है, मतलब 2.5 घंटे से वो दीप जलते जा रहा है। तो सोच सकते हो, अभी थोड़ा बैठ के बात करते हैं, क्योंकि ना ऐसे खड़े होके ना कहीं स्लिप कर गया, यहाँ पे पानी है। और देखो खुशी की बात बता रहा हूँ मैंने आपको, आपने अगर मेरा पूजा पाठ वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको जाके देखना चाहिए, कॉज की जब भी कभी अच्छा दिन होता है या कोई भी ऐसा पूजा पाठ का तो वर्षा जरूर होती है, लाइक बारिश जरूर होती है, कि ये प्रतीत करते हैं कि वो भी खुश हैं एंड अपना दे रहे हैं। थोड़ा बैठ जाता हूँ, अभी काई वाई लग रखा है छत पे, कहीं स्लिप कर गया, लूला लंगड़ा बन के ब्लॉग तो करूंगा नहीं अभी। सो बहुत ज़्यादा खुशी सी हो रही है एंड सोच सकते हो कि 15वीं शताब्दी, हाँ जब मुगल जब एंट्री किए थे तब के टाइम पे, मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट की बात है कि मुगल हमारे राम जी से पहले नहीं आए थे। जो भी बाबरी मस्जिद बनाया गया या कोई भी मस्जिद वगैरह, एक सर लाइट आ रही है, हाँ ये लाइट आ रही है। तो कोई भी मस्जिद या कुछ भी बनाया गया वो पहले का तो ठीक है, मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ये बाबरी मस्जिद राम जी से पहले तो नहीं हो सकता। आवाज़ आ रही है कॉज की, अभी स्टार्ट हो गया, लाइट आ गया तो इन्होंने माइक वाइक ऑन कर दिया है ना। सो हमारे गांव का ये फोक गाना गा रहे हैं ये लोग, आवाज़ आई नो की आवाज़ बहुत तेज से आ रहा होगा। एंड सबसे खास बात क्या कि ये सुनने में लगता था कि लाइक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हिंदू मुस्लिम, और अभी जब ये बना है तो हिंदू मुस्लिमों को कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो, कितने भाईचारा है आपस में और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में ऐसा ही होना चाहिए। कहीं पे भी लड़ाई, आपस में लड़ाई करके कहाँ जाएंगे, ठीक है, छोटी सी जिंदगी को जीना है, अच्छे से रहना है एंड सबका रिलीजन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, सबका अपना अपना रिलीजन है और सब अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं अपने जान से भी ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, छोटा सा क्लिप था, नहीं बनाता तो बाद में लग रहा कि यार क्यों नहीं बनाया, और ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो बस इतना ही था, छोटा सा ही था वीडियो, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे राम जी एट लास्ट आ गए। जय श्री राम। मैं अपनी खुशी बताने के लिए, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट के लिए था, मैं अपनी खुशी बताने के लिए ही वीडियो बनाया था, तो उसको मेरी खुशी समझ के आप देखिएगा और खुश रहिएगा, अच्छे से रहिएगा एंड ढेर सारा प्यार, ठीक है, लव फ्रॉम नोएडा, बॉय फ्रॉम बिहार, ठीक है।